मौजूद सामिन मुल्क में इस मौजी मरज से पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन से 3 माह की साथ में बिल वसूल करेंगे। मजदूर तबके के लिए 200 अरब रुपए का फंड रखा है। इमरान खान ने कहा कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 100 अरब का फंड रखा है। मजदूरों के लिए फौरी 200 अरब रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा बरामदाती संतों को फौरी टैक्स रिलीफ जारी करने के लिए 100 अरब दिए जाएंगे। दालों समेत जरूरी शिया पर टैक्स में कमी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए 150 अरब रुपए 4 महीनों के लिए रखे गए हैं। पनागाहों में इजाफा कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर के लिए 50 अरब रुपए मजीद मुख्सस किए गए। गंदम की खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं ताकि किसानों के हाथ में पैसा आए और कम से कम दई इलाकों में हालात काबू में रहे। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए 25 अरब रुपए जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम नरखों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। कीमतों में कमी से पेट्रोल की नई कीमत 96.60 रुपए होगी, जबकि डीजल की कीमत 107.25 रुपए फी लीटर होगी। मिट्टी का तेल सस्ता होने के बाद 70.45 रुपए फी लीटर होगा। तो मुझे सामीन उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें।